ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई होती है। इस ह्यूमन आई के अंदर ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा व्हाइट पोर्शन के ऊपर अटैच रेटिना होता है जिस पे लाइट फोकस होनी चाहिए। इस कॉर्निया के थ्रू जो भी लाइट जाती है वो या तो रेटिना पे फोकस होगी या उसके आगे या पीछे फोकस होगी। अगर वो रेटिना पे फोकस हो रही है तो हमें किसी ग्लासेस नंबर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो आगे या पीछे हो रही है तो हम उसे ग्लासेस से ही रेटिना पे लेके आते हैं जिससे हमें साफ दिखता है। अब हम चाहते हैं कि बगैर ग्लासेस के ही हमारा फोकस रेटिना पे बने ताकि हमें साफ दिख सके। इसके लिए हम लेसिक को करने जा रहे हैं। किसी भी लेसिक के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम एक फ्लैप बनाते हैं, सेकंड स्टेप में हम लेजर से नंबर को करेक्ट करते हैं और थर्ड स्टेप में फ्लैप को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रख देते हैं। ये हमारे 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी लेसिक के। इतने बड़े कॉर्निया से जहाँ से लाइट जाती है वहाँ पे एक फ्लैप क्रिएट किया जाता है। ये फ्लैप क्रिएट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम माइक्रोक्रेटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ब्लेड बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, या हम ब्लेड फ्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जिसमें ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता है। ब्लेड फ्री टेक्नोलॉजी में एक वाइब्रेटिंग रेजर ब्लेड इसके ऊपर मूव करता है और कट करके फ्लैप को बनाता है, जबकि एपिलेसी के अंदर एक अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक सेपरेटर आइस के ऊपर मूव करता है और फ्लैप को क्रिएट करता है, जबकि इंट्रालेज टोटल रोबोटिक सर्जरी होती है जिसमें ऊपर से लेजर की किरणें एक छोटे छोटे बबल्स बनाती हैं। 10 सेकंड में 160,000 बबल्स बनते हैं और ये 160,000 बबल्स 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर ही आपस में यूनाइट होकर एक सिंगल बबल बना देते हैं जो ऊपर की लेयर को और नीचे की लेयर को सेपरेट कर देता है विदाउट टचिंग द आई। ये सबसे ज़्यादा सेफ टेक्निक मानी जाती है और इसमें हम काफ़ी थिन फ्लैप भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्लैप क्रिएट होने के बाद हमें एक्जाइमर लेजर से नंबर को करेक्ट करना है। द एक्जाइमर लेजर इज यूज टू रिमूव टिश्यू फ्रॉम द कॉर्निया टू रीशेप इट करेक्टिंग ग्लासेस नंबर। इसमें हम लेयर बाय लेयर टिश्यूज को रिमूव करते हैं और उससे हम नंबर को करेक्ट करते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले ऑप्शन स्टैंडर्ड लेजर की, सिंपल लेजर की होती है जिसमें हम आपका ग्लासेस नंबर भरते हैं और हर जगह पे सेम नंबर को करेक्ट करते हैं। हमने कंप्यूटर में अगर 3 नंबर भरा तो वी आर करेक्टिंग 3 एट एवरीवेयर, जहाँ जहाँ पे भी नंबर करेक्शन करते हैं। कस्टमाइज लेजर में हम आइस के 3,500 पॉइंट्स पे नंबर को चेक करके उसका एक मैप क्रिएट करते हैं। उस मैप से देखते हैं कि क्या हमारा नंबर यूनिफॉर्म है या डिफरेंट है। अगर किसी एरिया में भी डिफरेंट होता है तो उसको उसी नंबर के हिसाब से करेक्ट किया जाता है ताकि ऑल ओवर हम एक जीरो नंबर क्रिएट कर सकें। जितना ज़्यादा जीरो क्रिएट करेंगे उतना ही शार्प फोकस बनेगा और जितना शार्प फोकस बनेगा उतनी ही पोस्ट ऑपरेटिव क्वालिटी बेटर आएगी। इसलिए कस्टमाइज के विजन को हमेशा बेटर माना जाता है। कस्टमाइज प्रोफाइल के अंदर हम एस्फेरिक शेप देते हैं। एस्फेरिक लेंसेज भी बेटर क्वालिटी ऑफ विजन प्रोड्यूस करते हैं। पेरिफेरल विजन बेटर रहती है, इस वजह से नाइट विजन ज़्यादा अच्छी रहती है कस्टमाइज एस्फेरिक प्रोफाइल की। और सबसे लास्ट बेटर ऑप्शन होती है टिश्यू सेविंग। इसके अंदर ये कस्टमाइज एस्फेरिक के सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा ये 20% लेस टिश्यूज को रिमूव करते हैं जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो भी हम टिश्यूज रिमूव कर रहे हैं वो परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं, वो वापस कभी लाइफ में नहीं आएंगे। इसलिए अगर हम 20% लेस टिश्यूज को रिमूव कर रहे हैं तो वो हमारी कॉर्निया की सेफ्टी को ज़्यादा बेटर करता है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है, उसको ज़्यादा स्टेबल रखता है। अगर हम नॉर्मल ब्लेड के साथ सिंपल लेजर करते हैं, ठीक है, तो उसके चार्जेस कम होते हैं। ब्लेड के साथ कस्टमाइज करते हैं उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और अगर हम ब्लेड फ्री अप्रोच पे जाते हैं तो उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेसिक के कंसेप्ट हैं। पर्पस सिर्फ यही है कि हमारा फोकस पर्दे पे बनना चाहिए और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लेड फ्री को ब्लेड से ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि जो फ्लैप मेकिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कंपैरेटिवली ब्लेड फ्री में कम होती हैं ब्लेड के साथ।